बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डैफोडिल्स किचन। आज जो डैफोडिल्स किचन में बन रहा है जी, ज़बरदस्त सा मार्बल केक बन रहा है। इसके लिए मैंने मेजरमेंट के लिए एक ही बाउल लिया हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए। वैसे तो केक की रेसिपी बहुत सारी है हमारे पास, तो ये मैंने देख सकते हैं कि दो बाउल मैंने मैदा लिया है, ठीक है। इसको अभी हम छान लेंगे। इसी तरह सेम बाउल मैंने रखे हैं ताकि आपको आसानी हो। शुगर लिया है जो अभी पाउडर्ड में नहीं है, ऑयल ले लिया है, वनीला एसेंस चाहिए होगा, हाफ टी स्पून हमें चाहिए जी बेकिंग पाउडर, 1/4 टी स्पून हमें चाहिए जो है मीठा सोडा, कोको पाउडर 1 टी स्पून है। अच्छा, और दूसरी चीज़, ये तकरीबन हमें 3 अंडे हम इसके अंदर डालेंगे, सही है, 3 अदद अंडे भी डालेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि हमें मैदे को छान लेना है अच्छा सा, तो मैं मैदे को अच्छा सा छानती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, बेकिंग सोडा भी छान लेंगे और साथ में बेकिंग पाउडर भी हम इसी के साथ ही छान लेंगे। इसको भी अच्छा सा छान लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमने ग्राइंडर, क्योंकि मैं मार्बल केक बना रही हूँ अभी ग्राइंडर के अंदर, तो ग्राइंडर के अंदर मैं एक एक अंडे तोड़ के डालूँगी। इसको साइड पर कर लेते हैं। ग्राइंडर जग के अंदर हमें एक एक अंडे तोड़ के डालना है और फिर इसको 1 से 1.5 मिनट ग्राइंड करना है। तो अंडे को मैं तोड़ती हूँ, फिर मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। चलें जी, 1 मिनट के करीब मैंने जो है अंडों को ग्राइंड कर लिया। इसके अंदर ऑयल शामिल हो गया, साथ में हमने शुगर भी शामिल कर दिया और ये भी तकरीबन 1.5 मिनट के लिए हमने इसको ग्राइंड करना है, लेकिन साथ में वनीला एसेंस तकरीबन 1/2 टी स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, सही हो गया, ताकि अंडे की स्मेल भी थोड़ी सी चली जाए। तो मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, हमने चीनी ऑयल के साथ हमने अंडे को 1.5 से 2 मिनट मजीद इसको फेंट लिया, बीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो मैदा था हमारा, इसको हम इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे एंड कट एंड फोल्ड के तरीके से हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए इसमें फोल्ड करना है। तो हम इसकी अच्छी सी फोल्डिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ये देख सकते हैं आप, ठीक हो गया कट एंड फोल्ड। पहले आपने कट किया और उसके बाद फोल्ड, तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें जो हमने छना हुआ मैदा था वो शामिल किया। चलें जी, इसको अच्छा सा फोल्ड करते। चलें जी, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें से निकाल लेना है। टेबलस्पून तकरीबन, मैं क्योंकि मेरे पास टी स्पून है तो मैंने इसको 4 टीस्पून इसको मैंने ले लिया। इसमें हमने कोको पाउडर डाला था, कोको पाउडर को अच्छा सा मिक्स करेंगे, सही हो गया, कोको पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। और ये मैंने ग्रीस कर लिया था मोल्ड, इसके अंदर हम इसमें शामिल करते हैं ये बैटर केक का। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त सा ग्राइंडर में हमने ये केक बनाया है। और फिर ये है हमारा मार्बल केक, ज़बरदस्त सा, इसको अच्छा सा साफ कर लेंगे, देख सकते हैं ज़बरदस्त हमने साफ कर लिया, सही हो गया जी। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे और ये जो हमने कोको पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया था, ये मिक्स किया था, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा मार्बल केक रेडी है। प्री हीटेड हमने जो है पॉट हमने 30 मिनट पहले रख दिया था, तो बस इसको रखेंगे फॉर अबाउट 45 मिनट्स, तकरीबन 45 मिनट्स लेगा ऑन अ लो फ्लेम, फ्लेम आपका लो होगा। चलें, मैं इसको पॉट में रखती हूँ, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे ऐसा, तो हमारा मार्बल केक का बैटर रेडी है, इसको हम पॉट में शामिल करते हैं। चलें जी, ये मार्बल केक हमारा आ चुका है प्री हीटेड हमारे पॉट के अंदर, बस इसको 45 मिनट्स के लिए हम इसके अंदर बेक करेंगे। चलें जी, चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, तो हमारा केक रेडी हो चुका है और इसका लुक देखें कितना खूबसूरत है। तो बस इसको ठंडा करते हैं और आपको दिखा देते हैं इसका लुक। चलें जी, ये थी आज की ज़बरदस्त सी मार्बल केक की रेसिपी, इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये अभी ठंडा नहीं हुआ, ठंडा हो जाएगा कट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ईट हेल्दी स्टे पॉजिटिव।